भारत सरकार के नियम अनुसार वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों जो वोटर कार्ड था वो इनसिक्योर था अभी तक, तो उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। चेंजेस किए जा रहे हैं जिससे कि जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही आपको कई सारे फीचर्स उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करना होगा। आप अपने वोटर कार्ड को दो प्रकार से अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं दोस्तों। आप एक वोटर हेल्पलाइन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उससे भी इसे लिंक कर सकते हैं, और दूसरा दोस्तों आप इसकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। ऑनलाइन वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और यहाँ से आने के बाद आपको लॉग इन और रजिस्टर पर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यदि आपका रजिस्टर तो यहाँ से आप यदि रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आपको यहाँ से अपना मोबाइल आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपकी डाल देनी है, और यहाँ से आपको पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ से आपको कैप्चा फिल करना है और यहाँ से लॉगिन हो जाना है। और दोस्तों यदि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ से नीचे की साइड आना और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है आई हैव डोंट अकाउंट। तो यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और एक कैप्चा फिल करना है, और आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आप इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से अपना रजिस्टर कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ डिटेल आगे भी आपको फिल करनी होगी। तो मैं फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, तो मैं आपको लॉगिन होने के बाद यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्टर एज न्यू। तो यहाँ से आपको न्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको नीचे आना है, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्म 6B। तो आपको इस फॉर्म 6B पर क्लिक कर देना है। यदि आप हिंदी में भरना चाहते हैं तो यहाँ से आप हिंदी वाले पर क्लिक करेंगे, और इंग्लिश पे भरना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे आप तो आपकी जो भी डिटेल होगी वो यहाँ से आपकी मैच हो जाएगी, और आपको कुछ डिटेल यहाँ से आपको फिल करनी होगी। यहाँ से आपको लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ से आपका नाम और जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, यहाँ से आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे, और आपको अपनी ईमेल आईडी अगर डालनी है तो आप उसे भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा यह आधार नंबर। तो आपको अगर आपका आधार नंबर है तो आपको इस पर टिक करना है और आपका आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको प्लेस में फिल कर देना है, जो भी आपकी सिटी है वो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, या फिर अपने गाँव का नाम वो भी यहाँ से डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपको जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे, और फिल करने के बाद यहाँ से आपको रिव्यू पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप अपनी डिटेल जो भी आपने भरी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आपको कुछ गलत लगता है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपको सही लगता है तो यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस रेफरेंस नंबर को यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, और इसे आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप अपनी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ से मैं डाल देता हूँ तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, और जो भी स्टेट है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी, वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। और यहाँ से ट्रेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा जो अभी स्टेटस है वो सबमिटेड हो गया है, या आपको आगे देखने को मिल जाएगा रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से आप उसे चेक कर सकते हैं आपका रिजेक्ट हुआ है फिर एक्सेप्ट हुआ है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।